हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशा ठाकुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रिएक्शन वीडियो। एंड बहुत ज़्यादा डिमांड पे आप लोगों की आज मैं देने जा रही हूँ आपके पसंदीदा मनोज दे की एक वीडियो पे रिएक्शन। तो बहुत सारे लोग उनकी वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे लोग शायद ना जानते हों, बट मोस्टली लोग आई थिंक उन्हें जानते होंगे क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जहाँ पे मतलब उनके पास कुछ भी सुविधाएं नहीं थी और पैसे की भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी थी, लेकिन आज वो एक अलग ही मुकाम पर हैं यूट्यूब की वजह से और अपने हार्डवर्क की वजह से। तो मुझसे बहुत सारे लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि मैम मनोज डे की वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए, एंड मुझे लगा कि ये परफेक्ट टाइम है क्योंकि एक बहुत ही लाजवाब सी वीडियो उनके चैनल पर आई है और जिसपे मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ। तो उनकी वीडियो का जो है वो टाइटल ये फाइनली शादी हो गई। तो यार गाइस, किसकी शादी हो गई देखना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो देखते हैं भाई किसकी शादी होगी। तो फाइनली वेट इज ओवर, भैया भाभी इज रेडी, पंडित जी भी आ चुके हैं। अरे फाइनली मनोज जी शादी कर रहे हैं, अरे वाह, माय गॉड, गुड न्यूज। तो हाय एवरीवन, अभी आप लोग देख रहे हो आपका मनोज भाई आज दूल्हा बन गया है, ठीक है? ड्रेस से ही देख के तो पता चल रहा होगा। तो अभी मैं हूँ कोलकाता में। कल ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट हो गया था कि हमें कोलकाता रात में ही आना पड़ा था, ठीक है? वो एक ब्लॉग और आएगा जो मैंने शूट करके रखा हुआ था, क्या सिचुएशन हुआ था नहीं हुआ था, और उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन बाद में भी करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पूरा रेडी हो गए हैं, मैं तो दूल्हा बन गया हूँ। और ये रही, आप लोगों को पहले ही पता है, आप लोगों का कमेंट भर भर के आया करता था, तो बोल देना भाभी कब आप लोग शादी कर रहे हैं, कब शादी कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग शादी कर रहे हैं आज के दिन। ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, देखते हैं शाम तक अगर डाल पाए तो, या फिर कल आ जाएगा। एंड फोटो इंस्टाग्राम पे मैं पहले पोस्ट करूंगा जैसे ही क्लियर होता है मामला तो आप लोगों को मैं बता जाऊंगा, मतलब ये बाद में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ था। बट हाँ, आज की इस दिन की बहुत बड़ी खुशी वाली बात है क्योंकि लाइफ में इंसान का शादी एक ही बार होता है, और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। थोड़ा बहुत तो दुख भी हो रहा है अंदर से क्योंकि हमारे साथ में हमारे पेरेंट्स नहीं है, ठीक है? ना इनके घर से कोई है, ना मेरे घर से कोई है, क्योंकि हमने काफी मनाने का कोशिश किया था। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट ऐसा कुछ कदम उठाए हैं, बहुत मनाए हैं, घर वालों को बहुत ज्यादा ट्राई किया कि हम लोग एक दूसरे में खुश रहेंगे, हम लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं, हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम लोग साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं किस बात का डर है पता है? बस दो ही बात का डर है कि अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, गांव क्या कहेगा, ठीक है? तो ये चीज होता है, बड़ा इशू रहता है। लेकिन मैं अभी ये भी बोलना चाहूंगा, कोई इस वीडियो के थ्रू गलत इन्फ्लुएंस मत हो जाना। अगर आपको लव मैरिज करना है, वो भी इंटर कास्ट मैरिज, समझ रहे हो? बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इस चीज को लेकर के। लेकिन हम कर रहे हैं तो इसमें दो पॉजिटिव पॉइंट है। पहला, आई एम मैच्योर, दोनों ही मैच्योर है, ठीक है? हमारा 26 मेरा एज हो रहा है, इसका भी बराबर ही होगा करीब, तो मैच्योर भी है। हमें सही डिसीजन और गलत डिसीजन का पता है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, हम लोग अपना लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। और हम 2-3 साल से रिलेशनशिप में हैं तो हमें एक दूसरे को हम लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए थे, पता भी है कि वो मुझे पॉइंट अच्छा लगे, जिंदगी पूरा गुजार पाएंगे कि नहीं, और मुझे भी पता है मैं उसके साथ रह पाऊंगा कि नहीं। तो इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। लेकिन बिना फैमिली के थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है कि बाप माँ के अगेंस्ट में जाकर के शादी कर लो। मैं भी अगेंस्ट में जाकर के शादी नहीं किया, मैंने काफी मनाने का कोशिश किया लेकिन वो नहीं मान रहे। उनको गांव का खुशी से मतलब है, समाज का खुशी से मतलब, फैमिली रिलेटिव सबका खुशी से मतलब है। लेकिन जिसको रहना है, जो जिंदगी भर जिसके साथ बिताएगा, उसका खुशी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आगे जाकर के फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, मान लीजिए मैं किसी अरेंज मैरिज की लड़की के साथ कर लेता, जिससे गांव भी खुश, समाज भी खुश, फैमिली खुश, रिलेटिव खुश, सब खुश, अब मैं खुश हूँ कि नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं किसी को भाई। क्या होगा आने वाले टाइम के फ्यूचर में, मैं उसके साथ सही से रह पाऊंगा कि नहीं, ठीक है? वो मेरे साथ एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। और अभी हमारा प्रोफेशन भी सेम है, आप लोग जानते हैं, मैं अभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, ये भी है। और हम लोगों का क्या होता था कि कहीं भी अगर कहीं से कोई इनविटेशन आता था कि मनोज भाई अगर कहीं मुझे बुलाया जाता था कोई इवेंट में, कोई प्रोग्राम में, तो दोनों को ही बुलाया जाता था। ऐसा है, दोनों का नाम एक तरह से जुड़ गया ना, 2 साल से हम लोग रेगुलर एक साथ वीडियो बना रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे मेरे घर वाले बोलते थे कि तुम ही तो उसके साथ वीडियो बना बना के उसको बना दिया। जो भी हुआ हो पास्ट में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, लोगों को यही चाहते हैं, वो कमेंट भी ऐसा ही आता है भर भर के हर एक वीडियो में, पोस्ट में, कि मनोज भाई आप ज्योति से शादी कब कर रहे हो, ठीक है? तो ऑडियंस के डिमांड में तो भाई करना ही पड़ेगा, प्लस हम लोग तो एक दूसरे को चाहते ही थे। ब्रो फाइनली तो चलिए, पेरेंट्स नहीं है, मम्मी पापा नहीं है साथ में, क्या ही बोले हम, मेरा कोई भाई भी नहीं था, एक ही शादी था लास्ट हमारे घर में, मेरी दो सिस्टर थी, दोनों को शादी हो गया, कोई मेरे साथ आज नहीं है घर वाले, लेकिन हाँ बहुत कोई है।
सुब्रत भाई को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, काफी ज्यादा हेल्प किया है। इसके घर में ही रात में आकर के रुका था, पूरे रात ड्राइव किया है अंकित कार, अंकित भी काफी हेल्प किया इस मैटर में। इधर हमारे गौरव भाई हैं जिनका बहुत सारा यूट्यूब चैनल क्रिएटर ही है, ठीक है, तो इन लोगों ने काफी ये हेल्प किया है। गौरव भाई के जो मम्मी पापा है, आंटी अंकल मतलब है, वो लोग गए हमारे साथ शॉपिंग वगैरह सब कुछ कर दिया। अभी जा रहे काली घाट में, काली मंदिर है वहां पर हम लोग शादी करेंगे, सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है, बस यहाँ से निकलने वाले हैं। चलें, चलो बाकी आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी क्या सिचुएशन की है। अंकित डांस करो भाई एक बार अच्छे से। रुको गाना बजा रहे, कौन सा गाना बजा बताओ, रुको एक सेकंड। मेरे यार ए भाई नाचो यार नाचो, शादी में मतलब मेरे यार की शादी है, हम बोल रहे हैं मेरा तो खुद ही का है, लेकिन गजब लग रहा, समझ ही नहीं रहा कि शादी में यार नाचो, समझ में आएगा वहाँ पे जब सिंगर लगाएंगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, तब पता चलेगा कोई बड़ा जिम्मेवारी आ गया है। ये तो बस सही है, मतलब अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग का दिन तो आ गया, अभी इतना वेट किए ना, हम लोग बहुत दिनों से वेट, बहुत दिन आ गया, अभी किसको माँ होंगे, लड़की को मम्मी का रोल निभाने, खुद की मम्मी तो है नहीं, क्या ही कर सकते, ठीक है मम्मी खुद तो नहीं होता, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। उस चीज का बहुत ज्यादा दुख बुरा लग रहा है, हम लोग ये वाली गाड़ी में बैठेंगे। ओ भाई हमारी गाड़ी तो अभी सजी भी नहीं है, दुल्हा दुल्हन रेडी, अंकित गेट खोलने का कितना लेगा भाई, लेना होगा, लेना होगा, बिना उतरने नहीं देंगे, दोनों तरफ से लेना होगा। तो हमारे साथ अभी चल रहा है सभी कोई बराती में सराती दोनों को, ये आगे बलेनो जा रहा है सुब्रतों का, ठीक है, तो लग रहा है पूरी शादी दिखाई जाएगी गाइस, और एक है तो काफी एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कैसे क्या होती है। अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, मतलब ठीक है, ऐसा लग रहा है कि चलो शादी तो हो रहा है, अच्छे से ही हो रहा है। और एक चीज और बोलना भूल गया था, हम लोग शादी कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो क्या है कि हम लोग मैच्योर है, समझदार है, 26 साल उम्र हो गया है, और दूसरा हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना काम करते हैं अपने पैर, ठीक है, ये दो चीज आपके अगर अंदर में होगा तो आप बेसिकली आप भी अपना डिसीजन, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। बाकी मेरे घर से ना कोई सपोर्ट किया ना कुछ भी नहीं, कोई नहीं माना, बहुत दिन से मैंने मनाने की कोशिश की, अगर इसके घर में बोला जाए तो इनके पापा ही थोड़ा जो है समझदार है, ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा अगर खुश रहेगा तो बस हम खुश, बाकी दुनियादारी हमको कोई मतलब, बच्चा हमारा खुश होना चाहिए, ठीक, तो अच्छा लग रहा है, चलिए एक साइड ही सपोर्ट है, बाकी कुछ नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, चलो मंदिर पहुँचते हैं। खुश है तो दिल मन में, दिल मेरे दिल ने सजा दी है, मेरे यार शादी है, शादी है, नाचो भाई, गाड़ी चला रहे मेरे यार की शादी है। तो फाइनली सब कोई पहुंच चुका है यहाँ पे, ठीक है, मैं भी उतर रहे हैं, सभी को यहाँ पे भी पहुंच चुके हैं, बाराती जा रहा है भाई, पैदल बाराती जा रहे हैं। क्या सस्ती हुआ अभी आ गई है मेरे साइड से, फाइनली कोई तो आया है, पूरा यहीं पे। तो यहाँ पे भी शादी के लिए जितनी भी जरूरी चीजें होती है वो चीजें लिए जा रही हैं, जैसे वरमाला वगैरह और क्या क्या होता है पता नहीं। इसको आई थिंक शंख पोला बोलते हैं, शंख पोला ऐसा कुछ बोला जाता है। उधर साइड में जो है ये चलता है कंगन, इस टाइप का व्हाइट एंड रेड रूम के अंदर देखो अभी सब देखते हैं क्या क्या होता है, रीति रिवाज सब फॉलो करना होगा अंदर। अब तो गए मनोज दे भैया, रंग लगाया जा रहा है, बिल्कुल हम लोगों में होता है, लड़कों को भी रंग और मेहंदी वगैरह सब कुछ लगानी होती है शादी में। अच्छा मेकअप भी हो रहा है, नाइस। अरे वाह,
तो फाइनली वेट इज ओवर, भैया भाभी इज रेडी, पंडित जी भी आ चुके हैं, ठीक है, और गुरु जी की साली जी भी आ चुकी है, बाकी सारी सालियाँ कहाँ हैं? अब तो यहाँ पे पंडित जी भी सारा सामान लगा रहे हैं शादी करने के लिए, एक्साइटमेंट लेवल इसे कुशा बोला जाता है। अच्छा, वाव, हाय, बहुत ही सादे ढंग से पर बहुत ही अच्छी शादी हो रही है। अच्छा, इसमें ये भी रस्म होती है, एक दूसरे का वरमाला चेंज करते हैं, आई थिंक 3 या 5 बार शायद होता हो, पर ये रिवाज इधर ही साइड होता है, ये हमारे यूपी में ये रिवाज नहीं होता। छोटो है क्या चीज़? हमारे तो छोटो है क्या? यार तो छोटो तो है। अब कन्यादान हो रहा है। के सिंदूर, हाँ ये बिहार और इधर साइड जो है, मतलब क्या कहते हैं, बंगाल साइड, इधर सिंदूर जो है ये छुपा करके भरा जाता है। नाइस, हो गया शादी मुबारक का कंप्लीट, शादी मुबारक। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन मनोज डे एंड ज्योति, स्वागत रहो, सदा रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, हां तो खुश रहेगी, खुश है ना पूरा पूर, ऐसे बत्तीसों दांत हमेशा चमकते रहे तुम्हारे। इस मोमेंट को पाने के लिए बहुत हमने बहुत कुछ सुना है, ठीक है, इधर से उधर अभी भी सुन ही रहे फिलहाल, लेकिन एकदम अच्छे टाइम पे हम लोग शादी में, पूरा माँ का आरती चल रहा था, पूरा और 2023 में ही हो गया, फेवरेट नंबर 2-3। क्या चाहिए जोधा नुगाई में? डिमांड हमारे जीजा जी है, हम बोलने की जरूरत नहीं, तो फिर भी डिमांड खुल के करना चाहिए ना, 500 रुपए साली है, बहुत सही, हम अभी लड़की का तरफ से है, हम अभी लड़की का तरफ से आ गए, ज्योति भी समझा रही है, अभी सेवन का रख लो, ताली नहीं समझने वाली आज, तो ये रखो और एक साड़ी फिर मेरे तरफ और नहीं चाहिए, जो साड़ी चाहिए, जूता कितना, अरे कितना चाहिए आपको, बोलो ना कितना चाहिए,
मेरा डिमांड बहुत है। कितना आपका डिमांड है? कितना? अरे झूठा का डिमांड कितना है? बात सही है, सही बात है। इकलौती साली, अरे कितना? 1000 का झूठा है कोई बोल रहा है? उठाते जाओ, फोटो उठाते जाओ, फोटो उठा। हाँ फोटो उठा, 1000 रुपये पेटीएम में कर। नहीं चाहिए। अरे नहीं, अब तो दीदी कितना चाहिए, कितना लेना? 5000 रुपए चाहिए। तो अभी गौरव भाई के घर से आ गए हैं हम लोग, सुब्रतो के घर पे देख रहे हैं। इसी बिल्डिंग का मैंने वीडियो भी डाला था। ये रहा हमारा सुब्रतो भाई, अब ये बोरॉन करेंगे, उसके बाद हमें अंदर घुसाएंगे। बंगाली लोग का ये रूल है, बंगाली लोग नहीं सबका ही है, जब भी नया दुल्हा दुल्हन आते हैं तो घर जब घुसते हैं तो उनको बरन किया जाता है। बंगला में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? गृह प्रवेश, एक तरह से बोल सकते हैं। तो चलिए अभी यही रीति रिवाज चलेगा। अभी आ रही है सुब्रतो की मम्मी पापा, मीन्स हमारे आंटी एंड अंकल। तो चलिए मानी जाती है बंगाल से लेके इधर जितने भी साइड है। धंधा है इसे, मतलब एक शुभ साउंड मानते हैं इधर की, मतलब ऐसा करते हैं जब कुछ अच्छा काम हो रहा होता है। पहले मुझे नहीं पता था, मैं काफी क्यूरियस थी ये क्यों ऐसे क्यों किया जाता है या ऐसे ऐसे करके क्यों करते हैं जब शादी होती है। तो बाद में मुझे पता चला कि इसे बहुत ही शुभ मानते हैं वहाँ। चलो भैया शादी हो गई, शादी बहुत बहुत मुबारक मनोज दे भाई साहब को। और मतलब गाइस मैं कुछ बोलना चाहूँगी इस पे, शादी पे। देखो शादी जिसकी भी होती है और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, शादी अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है। और अगर इसमें घर वालों की मर्जी होती है, वो शामिल होते हैं ना, तो उससे ज़्यादा आई थिंक अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बट अगर ऐसा नहीं हो पाया किसी भी वजह से, क्योंकि है भारत में ये कानून भी है कि अगर लड़की जो है वो 18 से ऊपर की है, या लड़का भी अपनी जितनी एज कही जाती है उससे ऊपर का है, मैच्योर है, तो वो अपने फैसले लेने में खुद सक्षम है। वो चाहें अगर तो जिससे भी चाहे, व्यक्ति स्वतंत्र है और वो अपनी मर्जी के अनुसार शादी कर सकता है, ठीक है। अपनी लिविंग जो है वो जैसा भी चाहे, मतलब वो अपना लाइफस्टाइल वैसा रख सकता है, क्योंकि ये उसे पूरी स्वतंत्रता है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और इसमें मैं दोनों साइड से कुछ कहना चाहूँगी, मतलब मनोज डे के मम्मी पापा के साइड से भी कुछ कहना चाहूँगी और मनोज डे के साइड, लाइक मम्मी पापा के साइड से ये कहना चाहूँगी कि उनके थिंकिंग गलत नहीं है। समाज का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लोगों पे, और ख़ासकर जब आप मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है। बट जब आप बहुत पैसे वाले होते हो तो ऐसा कोई सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, ऐसा बहुत एक मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब रही बात मनोज डे की, तो मनोज डे काफ़ी फेमस हो गए, काफ़ी फेमस हो गए, एंड फिर इनके घर वालों ने भी काफ़ी अलग टाइप के सपने संजोए होंगे। उन्होंने भी सोचा होगा कि हमें ऐसी ऐसी बहू चाहिए, या जो भी हो, आई थिंक उनको ज्योति उतनी ना पसंद आई हो, जो भी रीज़न रहा हो, आई डोंट नो अबाउट इट। बट फिलहाल क्योंकि मैं जो है उनके मम्मी पापा के साइड से ही बोलूँगी, उनका जो भी डिसीजन था ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन अब मनोज डे के साइड से कहना चाहती हूँ कि जो है आपको भी उनको और ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए थी। कोशिश करते आप शायद हो सकता हो कि वो मान जाते, और अगर वो आपके साथ इस शादी में होते तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश होते, और आप बहुत शायद ही उन्हें बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हो। और लेकिन उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसा कि कहा कि मैंने बहुत मनाने की, बट घर वाले
माने, तो घर वालों को भी सोचना चाहिए था यार कि हमारे बच्चे की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। समाज जो है, समाज खुश रहे एंड आपका बच्चा ना खुश रहे तो ये क्या अपने आप में सही है? लेकिन होता क्या है, यहाँ मैं इनके घर वालों के साइड से ये जो है एक पक्ष लेना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर वालों का सोचने का तरीका, जो उनकी वे ऑफ थिंकिंग होती है या वो जिन चीज़ों को सोचते हैं, वो उसको अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग ही चश्मे से देखते हैं। पर सामने वाला बंदा जो कि उस बंदे को अच्छी तरीके से जानता है 2-3 साल से, ठीक है, हो सकता है कि मैं अगर किसी पर्सन के पर्सन को देखूं तो उसके बारे में अपने मन से, अगर मैंने उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें देखी, मैं अपने मन से काफ़ी कुछ ऑब्जर्व कर सकती हूँ, काफ़ी कुछ लोगों से कह सकती हूँ कि ये तो ऐसा है, वैसा है, इस तरीके का है। बट जो उसके साथ में रहने वाला पर्सन होगा ना, वो जानता होगा कि वो पर्सन वाकई में कैसा है, उसके लिए वो पर्सन ठीक है या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मनोज दे को ऐसा लगा, और कोई भी लड़का इतना बड़ा जो है एक्शन नहीं लेगा, कोई भी लड़की इतना बड़ा एक्शन नहीं लेगी कि अपने घर वालों के बिना मर्जी से, हालांकि बहुत लोग ले भी लेते हैं, और माता पिता का डरना भी जायज़ है, क्योंकि कई ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चे ऐसा करते हैं, उसके बाद क्या होता है, डाइवोर्सेज होते हैं, लड़ाइयाँ होती, और कहीं ना कहीं उनकी कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनकी जो मैच्योरिटी लेवल होती है वो इतनी कम होती है, शायद इसी वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज होगी तो आप इतने मैच्योर हो, आप परिपक्व हो दिमागी रूप से उतना ज़्यादा सोचने में कि हाँ आप चीज़ों को वैसे मैनेज कर सकते हो कि नहीं। बट इस बंदे के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक ही इज़ वेरी मैच्योर। जो बंदा एक ऐसे जगह से उठ करके अपने आप को खड़ा कर रहा है, और अपने उसने टाइम को बदल दिया, उसने अपने रिलेटिव्स के टाइम को बदल दिया, बहुत अच्छा किया, तो आई थिंक उसकी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इनर पावर होगी कि वो चीज़ों को सोचने और उनको बदलने में और उनको करने में विश्वास रख। तो अगर उसने ये फैसला किया है, जैसे आपने उसके हर फैसलों की कदर की, तो आपको इस फैसले की भी, और मनोज डे को भी ट्राई करना चाहिए था, तब वो और ज़्यादा कन्विंस करते, शायद उनके मम्मी पापा मान। आपको भी सोचना चाहिए कि आपके मम्मी ज़्यादा प्यार होता है यार कई बार, लेकिन बच्चों के भी मैं उस जगह उतनी दोष नहीं दूंगी। तो गाइज, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, आप मुझे बताना। बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये फेक है वीडियो, बट आई डोंट थिंक ये फेक है। आपको कैसा लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।